से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि हमारे क्षेत्र में भी नगर पालिका के माध्यम से कुछ सुविधा प्राप्त हो। आज आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि लगभग 10 से 12 सर्वे नंबर है और अंदाजन 8 से 9 छोटी और बड़ी कॉलोनी मिलाकर इनको लगभग 2016 तक की कॉलोनियां आज भेद होने जा रही है। इस अवसर पर मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का अंतर मन की गहराई से धन्यवाद प्रकट करता हूँ, क्योंकि काफी वर्षों से लोग परेशान हो रहे थे। वहाँ पर सड़क की व्यवस्था नहीं थी, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, नालियों की, पानी की, बहुत सारी जो मूलभूत सुविधाएं क्षेत्र में नगर पालिका के माध्यम से होती है वह सुविधा उन लोगों को, वहाँ के क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पा रही थी और काफी वर्षों से वो परेशान हो रहे थे। चाहे नगर पालिका में नामांतरण का मामला हो, चाहे मकान बनाने की अनुमति का मामला हो, चाहे विभिन्न मूलभूत सुविधा का विषय हो, सभी आज माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से आज से उन क्षेत्रों में नगर पालिका विकास प्रारंभ करेगी और जितनी भी 2022 तक की जो अवैध कॉलोनी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है उन सबको भी आने वाले दिनों में नगर पालिका के माध्यम से सर्वे हो रहा है, उन सभी कॉलोनियों को नगर पालिका वेद करेगी। ये वास्तव में उन क्षेत्रवासियों के लिए बधाई और शुभकामनाओं का दिन है। आज इस अवसर पर मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया, मैं नगर पालिका अध्यक्ष जी का और उपाध्यक्ष जी और सभी परिषद की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस प्रदेश को विकास की दिशा में अग्रसर रखने की कोई कमी छोड़ रही है, चाहे मैं योजनाओं की बात करूं, मैं चाहे मैं सुविधाओं की बात करूं। माननीय मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे हैं और वो निश्चित ही गरीब कल्याण क्या होता है इस चीज को बहुत ही अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसी गरीब कल्याणकारी योजना बनाई जिसके तहत हमारे इस प्रदेश का हर एक हितग्राही कहीं न कहीं इस योजना के माध्यम से लाभान्वित होकर माननीय मुख्यमंत्री को दुआई दे रहा है। वो हर दिन का ये दुआ करना, ये कामना करना उस परमपिता परमेश्वर की कि ऐसे हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जो हर एक व्यक्ति के मर्म को समझते हैं और उस मर्म को समझते उसका कहाँ इलाज करना, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हमें इस प्रदेश को इस योजनाओं के माध्यम से दे रहे हैं। उसी कड़ी में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की कई ऐसी अनाधिकृत कार्यों में जहाँ हमारे कॉलोनी वासी, या मैं यूँ कहूँ कि ऐसे हमारे हितग्राही जिन्होंने प्लाट ले लिया, उनको बाद में मालूम चला कि ये कानून तो चूंकि किसी कारणवश से अवैध है और वहाँ की नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर परिषद वहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं कर रहे, क्योंकि वहाँ पर चीज इतना ही प्लाट ले उसने गलती उसको थोड़ा पैसा दिया, जिसने कानूनी काटी उसकी कोई गलती थी, लेकिन फिर भी ऐसी गलतियाँ थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे कानूनी वाले के दर्द को समझा और आज पूरे प्रदेश में लाइव कार्यक्रम के माध्यम से पूरे प्रदेश के ऐसी कानूनों को भेद करके उन कॉलोनी वासियों को वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं जिसमें हम सड़क, पानी, बिजली, नगर पालिका, नगर परिषद का कार्य होते हैं, ऐसी सुविधा देने के कारण को अनाधिक कानूनों को भेद करने के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश को लगातार विकास की दिशा में अग्रसर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रयास में नगर पालिका परिषद भी, चूंकि नगर पालिका परिषद पे सारे नगर वासियों ने लगातार 5-6 बार विश्वास जताया है और नगर पालिका परिषद को वापस इस शहर की सत्ता सौंपी है, तो निश्चित ही नागदा नगर पालिका परिषद हमारे सारे पार्षद और हमारे सभापति भी इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि कॉलोनी में रहने वाले प्रत्येक शहरवासी को हर प्रकार की सुविधा नगर पालिका के माध्यम से, योजनाओं की सुविधा का माध्यम नगर के माध्यम से, उसी कड़ी में नगर पालिका के पीछे नहीं, नगर पालिका परिषद आगरण शहर में इसी प्रकार विकास कार्य के माध्यम से या सुविधाओं के माध्यम से नगर वासियों को सुविधा देती रहेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आज जी लोग कॉलोनी के सर्वे नंबर जिन कॉलोनी वासियों को ये सौगात मिलने जा रही है, मैं उन तमाम मकान मालिकों को, उन शहर वासियों को भी ढेर सारी बधाई शुभकामना देता हूँ। निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास का मार्ग प्रशस्त कर दिया है, अब वहाँ जो विकास कार्य नहीं हो पा रहे थे आज से पूरा उन शहरों में नगर पालिका परिषद उन कॉलोनी में सर्वे नंबर में विकास के मार्ग खोल देगी। आज के इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष जी ने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं पूरी परिषद के प्रति अपनी हार्दिक शुभकामना पेश करता हूँ और निश्चित परिषद से भी कामना करता हूँ कि परिषद इसी प्रकार से निरंतर शहर में विकास की गति को निरंतर आगे बढ़ाते रहे और नागदा नगर को सपनों का शहर बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।
बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा है कि 31 दिसंबर 2022 तक जो कॉलोनी अस्तित्व में आ गई है या जो जिस कॉलोनी में के प्लाट कट गए हैं जहां रजिस्ट्री हो गई है उन कॉलोनी को भी भेद करने का कार्य नगर पालिका परिषद शासन के माध्यम से कर रही है। उसके लिए पूरे शहर में जो इस प्रकार कार्य थी 31 दिसंबर 2022 तक उसके लिए पूरे शहर में हमारे सर्वे नियुक्त है और कॉलोनी का सर्वे कर रहे हैं और बहुत जल्दी अगली कड़ी में हम नागदा शहर की उन तमाम कॉलोनियां जो 31 दिसंबर 2022 तक अस्तित्व में है उन सभी कॉलोनियों को भेद करके वहां पर भी मूलभूत सुविधा और विकास कार्य करने की दिशा में बहुत जल्दी अग्रसर हो जाएंगे। जैसे ही जब माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा हुई और हमें ये कार्यक्रम किया मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा हमारे नगर पालिका के उन कर्मचारियों को कि उन्होंने तुरंत आज हमारे हितग्राही हैं हमारी बहन है सीमा कनेरा जी का प्लाट नंबर 115 शिवराम कॉलोनी के पीछे के बाद का वार्ड नंबर 14 में आता है। आज हमारे उस बहन को हम ये प्रमाण पत्र देके भवन हमें की अनुमति देकर निश्चित इस कार्य का हम शुभारंभ भी कर दें क्योंकि हमारी बहन आज हमारे बीच में है। मैं समस्त हमारे नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी मैं नगर पालिका अध्यक्ष से अनुरोध करूँगा कि आप हमारे श्री राम कॉलोनी की हमारी बहन जिसको दिया जा रहा है इस अवसर पर सभी से आग्रह करूंगा कि योजना टाइम लगेगा स्वागत है। अच्छा हमारे बीच में हमारे पार्षद भावना रावल जी भी राहुल जी उपस्थित हो गए नगर पालिका परिषद आपका भी हमारे दीपक भैया संतोष मकवाना आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पार्षद भाइयों बहनों और सभी हितग्राही आप सभी को बहुत बहुत बधाई जय हिंद जय भारत जय मध्य प्रदेश।